हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। देखो यार, जिसका भी अगर एडमिशन रह गया है उसका पार्ट वन में, जिसमें का भी एडमिशन लेना था इस साल ग्रेजुएशन में और ना फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, ना सेकंड लिस्ट में नाम आया, ना थर्ड लिस्ट में नाम आया, या किसी कारणवश उसका एडमिशन नहीं हो पाया, एडमिशन नाम आया लेकिन ना एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके लिए अब अच्छा मौका है कि स्पॉट राउंड में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई स्पॉट राउंड में देखो, सबसे पहले तो यार अगर तुमको समय है 10-15 मिनट तभी इस वीडियो को देखो, वरना जब समय मिलेगा तभी देखना, क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम बात करेंगे, ठीक है। और स्किप वगैरह करोगे तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण बात छोड़ जाए, ठीक है। तो अगर समय है तभी आप देखें, वरना आपको जब समय मिलेगा तभी देखिएगा। चलिए, अब जिनको भी ये वीडियो बचे हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, देखो ध्यान से सुन लो। पहली बात तो यह है कि भाई स्पॉट राउंड का एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे होगा, दूसरी बात कि किन किन बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा, या फिर कोई जो पहले पहुंचता है उस बेसिस पे मिलेगा, क्या हिसाब किताब रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने कि किस हिसाब से उनको नंबर देंगे, ठीक है। तीसरी बात है कि भाई आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि स्पॉट राउंड में आप कितने सब्जेक्ट चुन सकते हो कॉलेज में। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सवाल का जवाब। देखो कि अभी तक अगर मान के चलिए किसी ने अगस्त में जो एप्लीकेशन फॉर्म था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का वो भरा ही नहीं, तो फिर क्या वो एडमिशन ले पाएंगे। देखो हुआ क्या था कि बच्चे सोच रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी में तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर पटना यूनिवर्सिटी में किसी का नहीं हो पाया तो वो सोच रहे हैं कि पाटलिपुत्र में काश किसी तरह हो जाए स्पॉट राउंड में, और वो बच्चे तो पहले भरे ही नहीं थे अगर एडमिशन फॉर्म, तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखो, ठीक है। पूरा पॉइंट वाइज इन्होंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है, उसको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और दूसरी बात, एक आपको और जानकारी दे दूँ कि कॉलेज गाइड का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खुल चुका है, ठीक है। कॉलेज गाइड का इंस्टाग्राम अकाउंट खुल चुका है, आपको वो चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो चैनल का अबाउट सेक्शन है, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल भी वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब देता रहूँ। चलिए अब ध्यान देते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या जारी किए गए हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर वन, यहाँ देखो, सबसे पहली बात है कि इंस्ट्रक्शन फॉर ओपन मेरिट एडमिशन, जिसको स्पॉट प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर SAP भी कह सकते हैं, SAP, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, लिस्ट वन, ओके, थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, जैसे थर्ड मेरिट लिस्ट का नामांकन प्रक्रिया खत्म होगा, उसके बाद ओपन मेरिट एडमिशन यानी स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको हम स्पॉट राउंड के प्रोसेस से भी नाम जानते हैं और SAP के नाम से भी जानते हैं, ये हम समझ गए। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का क्लियरिफिकेशन हो गया, सेकेंड पॉइंट का क्लियरिफिकेशन थोड़ा क्लियर हो जाने दो इसको। ओके, ओपन मेरिट एडमिशन में के लिए मार्क्स और ना किसी प्रकार का रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया जाएगा। देख लो बच्चों, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर टू जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ कह दिया इन्होंने कि ओपन मेरिट स्टेटस के लिए, ओपन जो भी लिस्ट है ये स्पॉट राउंड का, उसमें एडमिशन के लिए ना ही मार्क्स देखा जाएगा। आप कितना मार्क्स लेके आए हैं उससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, अगर 33% से पास करके भी आए हो तो भी कोई मतलब नहीं है। ना ही कोई रिजर्वेशन पॉलिसी, मतलब कि पहले रिजर्वेशन होता था कि SC या ST या फिर EWS से कोई बच्चा है तो उसको कम मार्क्स पर लिया जाता था, तो वैसा रिजर्वेशन पॉलिसी को भी यहाँ पर नहीं अपनाया जाएगा। स्पॉट राउंड एडमिशन जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले पहुँचे, चाहे वो 25% नंबर, 25 तो नहीं मान के चलो 30% नंबर के साथ भी आया, थर्ड डिवीज़न वाला भी है, पहले पहुंचा तो उसको लिया जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न वाला है पहले पहुंचा तो उसको लिया जाएगा। यहाँ ना तो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी देखा जाएगा और ना ही किसी प्रकार का मार्क्स देखा जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रक्रिया के समाप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल, ये स्पेशल पोर्टल है, इसको ध्यान में रख लो, और ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी आगे का काम होने वाला है स्पॉट राउंड वालों का, सबका यहीं से होगा, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होगे कैसे खोलना है, यही पोर्टल है, ठीक है। इस पे विश्वविद्यालय का ये जो पोर्टल है, इसी पर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों का सब्जेक्ट वाइज रिक्त स्थान सीट दिखाया जाएगा, मतलब कि ये पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सब्जेक्ट के हिसाब से सीट बचा हुआ है, ठीक है, वो देख के ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी, अब देखो उसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आते हैं हम लोग, ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं अब। ओके, SAP द्वारा नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के किसी एक विषय के लिए ही एप्लीकेंट लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें
किसी एक विषय के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कि आप चाहे तो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कुछ ले लो, कोई एक ही विषय ले सकते हो, ठीक है। एक बार में कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे ये कुछ विशेष तरह से बताया नहीं है कि आपको कितने कॉलेज चुनने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई है, एप्लीकेंट लॉगिन से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका क्लेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि एप्लीकेंट लॉगिन उन्हीं बच्चों के पास है जिन्होंने फॉर्म भर रखा था। जिन बच्चों ने अगस्त में जो फॉर्म आता है स्पॉट राउंड के लिए, स्पॉट राउंड बोल रहा हूँ, एडमिशन के लिए, वो फॉर्म जो उन्होंने भरा था उनके पास ही एप्लीकेंट लॉगिन का सारा डिटेल होगा। तो इसका मतलब कि इस नोटिस से लग रहा है, यहाँ पे जो बात कही गई कि जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं शायद उनको एडमिशन कराने का मौका मिले। लेकिन उसका उपाय क्या है कि अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आप एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हो, तो आप वहाँ जाकर रजिस्टर करेंगे और या फिर साइबर कैफे में जाकर पता करेंगे, तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई विशेष जानकारी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे तरफ से भी आपको अपडेट मिले, ठीक है। ये बात है कि स्पेशल बात यही है कि एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है, साथ ही एक ही विषय का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो कि आपका एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉलेज का इन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया कि आप कितना कॉलेज चुनेंगे, सब्जेक्ट एक ही ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको वहाँ पे 20 कॉलेजेस का शुरुआत में लिस्ट मिला था कि ठीक है, मतलब 20 कॉलेज आपको चुनने पड़ते थे, एफिलेटेड और कनेक्टेड ऐसे करके कुछ कुछ था, ठीक है। फिर एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ बता दिया गया। अब एप्लीकेंट लॉगिन तो उन्हीं बच्चों के पास है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो उन बच्चों का क्या होगा आखिर जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा था, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जैसे कोई जानकारी मिलेगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, अब चलो पॉइंट नंबर 5, SAP द्वारा नामांकन की प्रक्रिया कितने राउंड तक चलेगी, इसके ऊपर भी एक विशेष बात है। यह विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त सीट की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने बहुत अच्छी मेन बात बता दी है कि जैसे मान के चलो कि ये स्पॉट राउंड शुरुआत हुई, ठीक है, तो स्पॉट राउंड राउंड 1, ठीक है, इसमें लिस्ट निकाल दी इन्होंने। अब यहाँ पे लिस्ट में मान के चलो इसमें भी लिस्ट किसी कॉलेज में, ये मान के चलो कि कोई कॉलेज है उसकी लिस्ट रह गई, मतलब ये सीट थी, ये सीट भरा गई, ये भरा गई, ये भरा गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सीट रह गई, तो फिर ये राउंड 2 भी निकालेंगे। उसके बाद राउंड 2 आएगा लिस्ट जिसमें यहाँ पे 2 सीटें थी, तो 2 सीट के लिए एप्लीकेशन निकालेंगे, तो 2 सीट एप्लीकेशन राउंड 2 में भी भरा जा सकता है। मतलब कि एक कॉलेज में कितनी सीट होगी उसके आधार पर ही ये लोग आगे निकालेंगे कि भाई अब मेरे पास और सीट बची है या फिर और सीट नहीं रह गई है। जो भी होगा कॉलेज देखेगा कि अगर उसके पास फर्स्ट राउंड स्पॉट एडमिशन के बाद भी सीट बचती है तो वो फिर दोबारा से निकालेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना यार कि फर्स्ट राउंड में ही हो जाए तो कम होगा, क्योंकि अब लास्ट तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखो 6th पॉइंट क्या कह रहा है, ये तो भाई आप लोग मैं कहूँगा कि आप लिख के रख लो अपने फ़ोन में, कॉपी पेस्ट करके किसी भी तरह सेव करके रख लो, ये ही आपको पूरा टाइम कमाने वाला है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी वेबसाइट के द्वारा इन्होंने सारा काम करना है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इस पर लॉगिन करने के अवधि, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पर लॉगिन करने के अवधि 9:30 AM से 12:30 PM, ये रात की बात नहीं है, PM का मतलब हो गया दोपहर, ठीक है, कई जगह आपको रात कहा जा रहा है। चलो उसी दिन 1 PM से अलॉट करके नंबर के अलॉटेड नंबर के आधार पर कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन शुरू होगा और दूसरे दिन 4 PM तक चलेगा। 4 PM के बाद आपके अलॉटेड नंबर की एडमिशन लेने की वैधता समाप्त हो जाएगी, अर्थात आपको दूसरे दिन 4 PM तक अलॉटेड नंबर के आधार पर एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में एडमिशन नहीं लेने पर यूनिवर्सिटी और अलॉटेड कॉलेज किसी भी प्रकार के कोई जवाबदेही नहीं लेगा। 6th नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी बच्चों का एडमिशन स्पॉट के द्वारा होने वाला है, देख लो इसको, समझते हैं पूरी डिटेल में, अच्छे तरह से समझो। देखो यार वीडियो डिटेल है लेकिन इसको आप समझना बहुत जरूरी है। अब लास्ट स्टेज में आ गए, स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ तो कहाँ जाओगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझो क्या नोटिस है, उसके बाद ही काम करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो कि ये पॉइंट इन्होंने दे दिया, वेबसाइट इस पर आपको लॉगिन करने की अवधि जो होगी, जैसे कि इस पर आपको लॉगिन करने की अवधि क्या होगी भाई, 9:30 से 12:30 तक आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, उस दिन जब एडमिशन लिए तो आप उस एडमिशन लेने के बाद आपको लॉगिन करना है इस पोर्टल पे और 1 PM से अलॉटेड नंबर के आधार पर कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन लेना शुरू करेंगे। आपको 9 से 12 बजे तक ही जो भी कॉलेज चुनना होगा, जो शुरुआत में कहेंगे कि स्पॉट राउंड की सीट निकाल दी हमने, अब सीट निकालने के बाद इसमें से आपको चुनना होगा कि जैसे मतलब कि हम अप्लाई करना होता है ना, कि शुरू में हमने अप्लाई किया था, वैसे आपको अप्लाई करने का टाइम समझ लीजिए, अप्लाई करने की अवधि जो है कि आपको कितनी देर में अपना कॉलेज वगैरह चुन के या फिर स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज की सीट के ऊपर आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको बता देना होगा, इसी टाइम में अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद फिर उसी दिन क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए आज 16 तारीख है, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि 16 तारीख है, तो 16 तारीख को 9:30 से 12 बजे तक के बीच में आपने अप्लाई कर दिया कि भाई साहब मुझे फॉर एग्जांपल कि एन कॉलेज में सीट बची हुई है, ठीक है, एन कॉलेज में एक सीट बची हुई है, क्या हो रहा है, एन कॉलेज में एक सीट बची हुई है केमिस्ट्री की, ठीक है, तो एक सीट केमिस्ट्री की एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, केमिस्ट्री की एक सीट पर मैंने 16 तारीख को 9:30 से 12 बजे तक में अप्लाई कर दिया। उसी 16 तारीख को मैं 1 बजे से
जो हमको अप्लाई करने के बाद जो हमको मान के चलो सीट बची हुई तो हमको क्योंकि फर्स्ट सर्व कम फर्स्ट सर्व है, पहले आएंगे तो पहले पाएंगे। हम पहले पहुंच गए, हमको बता दिया गया कि ठीक है आपका एडमिशन लेंगे। अब ये कोड कुछ भी जो भी होगा वो वहाँ से देंगे कॉलेज वाले आपको उसी दिन 16 तारीख को 1 बजे से अलॉटेड नंबर जो आपको देगा उसके आधार पर कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा। ऑनलाइन एडमिशन लेने का प्रोसेस वही पुराना ही रहना चाहिए। अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। मतलब 1 बजे से फिर आपको उस कॉलेज के अलॉटेड कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन ले लेना होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से बात, इन्होंने पाटलिपुत्रा कॉलेज यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नहीं कहा, कहा कि नंबर के आधार पर अलॉटेड कॉलेज के पोर्टल पर जाकर एडमिशन लेना होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से नाता टूट जाए, आपको कॉलेज के पोर्टल पर शायद जाकर एडमिशन लेना पड़े, लेकिन जो भी अपडेट होगी वो मैं दे दूंगा। आप जब एडमिशन लेने लगोगे तो कॉलेज से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और देखो शुरू होगा, दूसरे दिन 4 पीएम तक ये चलेगा। जो 1 पीएम आज ने 16 तारीख को आपने किया, ये 17 तारीख जो है 4 बजे तक आप इसको कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 1 बजे से 2-3 उसी दिन लगे रहो, 16 तारीख को किसी भी तरह से सब काम खत्म कर लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। फिर 17 तारीख को यहाँ पे कह रहे हैं कि अगले दिन 4 बजे तक यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये जो डेट है इसको लेकर कोई कमेंट मत करने लगा, ये सारे डेट मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर 4 पीएम के बाद उसको अलॉटेड नंबर के एडमिशन लेने की वैधता समाप्त हो जाएगी। अगले दिन जो 4 पीएम हो जाएगा तो फिर आपका फिर एडमिशन लेने का वैधता समाप्त, फिर फंस जाओगे, उसी दिन ले लेना है एडमिशन, ठीक है। अर्थात आपको दूसरे दिन 4 पीएम तक अलॉटेड नंबर के आधार पर एडमिशन लेना अनिवार्य है। किसी भी तरह अगर एडमिशन नहीं ले पाए तो नहीं तो कॉलेज इसके लिए आपके जवाबदेही लेगा, नहीं यूनिवर्सिटी जवाबदेही लेगा। मुझे लगता है कि छठा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, आपको एक दिन में जब भी एडमिशन का लिंक खुलेगा उस दिन आपको 9 से 12:30 बजे तक में अप्लाई कर देना है कि भाई साहब ये सीट खाली है, कॉलेज सीट निकलेगी, सीट चेक कर लेना आपको, इसी पोर्टल पर सीट निकलेगी। सीट चेक करके आपको 9:30 से 12:30 बजे तक अप्लाई कर देना है उस सीट पर, और उस सीट पर अप्लाई करने के बाद अगर आपको सिलेक्शन मिल गया तो आपको वहाँ से मैसेज वगैरह जो भी है अलॉटेड नंबर मिल जाएगा। अलॉटेड नंबर को आपको 1 बजे तक उसी दिन 1 बजे से लेकर के अपना एडमिशन पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन एडमिशन ले लेना है। ये प्रोसेस अगले दिन 4 बजे तक रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 1 बजे मिल रहा है उसी दिन किसी तरह रात भर जग के कैसे भी हो अपना काम कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है अगले दिन तक में, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो एडमिशन नहीं ले पाए 4 बजे तक में तो भैया फिर फंस जाओगे। मैं कह रहा हूँ उसी दिन अपना एडमिशन ले लेना, ठीक है। ये हो गया 6ठा पॉइंट। 7वां पॉइंट समझो, हर एक पॉइंट समझना विस्तार से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखो, महाविद्यालय को आदेश, ये तो कॉलेज उसके लिए है कि आपको आदेश दिया जाए कि 4 पीएम से बजे से लेकर एडमिशन पोर्टल पर बंद होने के रात्रि 10 बजे तक किसी भी आधार में वैलिडेट कर देना है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वैलिडेट हो जाएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि एडमिशन लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना कैसे, ठीक है। वो एडमिशन लेने वाला प्रोसेस जो है ये कॉलेज के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, 8वां पॉइंट है कि आपके द्वारा अर्थात महाविद्यालय द्वारा एडमिशन को वैलिडेट करने के पश्चात कॉलेज में सीट, अच्छा ये भी कॉलेज के लिए है नोटिस कि जैसे ही कॉलेज वैलिडेट कर देगा तो यानी कॉलेज को पता चल गया कि वैलिडेट किया है, तो मेरे पास भाई 10 सीट थी तो 10 में से मेरे पास 5 सीट भर गई है कि कितनी भरी है, ये उसको पता चल जाएगा। जैसे पता चल जाएगा कहेगा कि भाई मेरे पास 1 सीट तो अभी भी बची हुई है, तो इस सीट के लिए मैं फिर से एक नोटिस निकालूंगा, वो नोटिस आएगी राउंड 2 के लिए, ठीक है, ये एडमिशन के लिए, ठीक है। अब ये सीट दोबारा राउंड 2 पे आएगी, वेबसाइट वही रहेगी, आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हो अगर किसी का नहीं हो पाया तो। फिर दूसरा देखो 9वां पॉइंट, महाविद्यालय द्वारा वैलिडेट करने के बाद छात्रों को प्रत्येक छात्र को विशेष में शेष रहे बच रहे सीट के आधार पर पुनः दूसरे राउंड हेतु ओपन मेरिट एडमिशन के लिए देखने को मिलेगी। अगर मान के चलो किसी कॉलेज में सीट बन जाती है तो फिर ये दोबारा से उसी वेबसाइट पे जाकर के निकाल देंगे लिस्ट कि भाई मेरे कॉलेज में इतनी इतनी सीट अभी भी बची हुई है और एडमिशन के लिए हमको आवेदन चाहिए, तो बच्चे फिर उसमें जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। नंबर 10 देख लो, पुनः रिक्त सीट के आधार पर छूटे हुए लॉगिन छात्र फिर से देखो यहाँ पे एक चीज़ और, छूटे हुए छात्र लॉगिन कर एडमिशन ले सकते हैं। ये बार बार लॉगिन वाला जो चक्कर आ रहा है इसी से लग रहा है कि शायद जो बच्चे अभी तक पाटलिपुत्र में रजिस्टर किए थे उन्हीं को शायद मौका मिले, ठीक है। जो भी है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके लॉगिन के लिए ऊपर बताए गए प्रक्रिया का पालन करते हुए सेकंड ओपन में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह से एक सीट के आधार पर स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। अर्थात नंबर ऑफ राउंड के आधार पर सीट के आधार पर प्रोसेस पूरा किया जाएगा। देख लो बात यह है कि कितना राउंड चलेगा ये गारंटी नहीं है। अगर मान के चलो किसी कॉलेज की सीट फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो गई, सारी भर गई, तो फिर दोबारा उसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी कॉलेज की फर्स्ट या थर्ड सेकंड फोर्थ तक भी बच जाती है सीट, तो जाहिर सी बात है निकालेगा ही, ठीक है। जब तक उसके प्रोसेस बच जाता है तब तक वो निकालेगा। अब देखो यहाँ पे नीचे एक और है, और तुमको मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, एक होता है SPORTS स्पोर्ट्स, ठीक है, इसका मतलब होता है खेल कोटा, समझ रहे हो, खेल। कोई हो सकता है NCC से हो, कोई हो सकता है फुटबॉल कोटा हो, स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, ये होता है स्पोर्ट्स कोटा। हम जिसकी बात करें ना वो है SPOT स्पॉट, यानी
उसी समय स्पॉट एडमिशन क्यों कहा जाता है कि आप उसी समय एन मौके पर उपस्थित हुए और आपने एडमिशन लिया, आपने ना ऑनलाइन कुछ काम किया ऐसा कुछ। अभी फिलहाल तो ऑनलाइन है लेकिन स्पॉट ये होता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन मत हो लेना कि स्पोर्ट्स और स्पॉट्स एक ही है, स्पोर्ट्स और स्पॉट दोनों अलग अलग हैं। स्पोर्ट मतलब होता है खेल कोटा और स्पॉट मतलब ये जो एडमिशन अभी चलने वाला है, ठीक है। ये उसी उससे रिलेटेड यहाँ पे एक नोटिस निकाली गई है कि किस किस कोटा से कितना कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ये सब जो भी है फाइन आर्ट्स एनसीसी वगैरह वगैरह जो भी है अपना ये सीट कोटा सीट है, तो इसमें बहुत कम सीट निकलती है, इसमें पढ़ने का चक्कर नहीं है। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट अलग अलग है, ध्यान रखें, ठीक है। स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल थी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है, और ये थोड़ी वीडियो लंबी थी लेकिन मैंने इसमें सारी डिटेल बारीक पॉइंट के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। लाइक डिसलाइक ज़रूर करना, जो भी है तुम्हारा ज़रूर करके जाना यार। और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हमने खोल रखा है कॉलेज गेट का, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।